आज हम लोग बनाएंगे आम का मीठा, या आप इसको मैंगो डिलाइट भी बोल सकते हैं, जो खाने में बहुत मज़ेदार है और बनाने में बहुत आसान है। कैसे हम बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एआरस किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। आधा कप दूध ले लेंगे या एक कप। मेरे पास बड़ा वाला मग है, तो आप अगर आपके पास छोटा वाला है तो एक कप लें। एक कप दूध के अंदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे 4 से 5 चम्मच। मैं इसके अंदर वनीला कस्टर्ड के ऐड कर रही हूँ, आप इसके अंदर मैंगो कस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मैंगो ख़त्म था तो मैंने वनीला ऐड किया है। वनीला ऐड करने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम लोग 4 से 5 कप यहाँ पर मिल्क ले लेंगे। मुझे ज़्यादा बनाना है, अगर आपको कम बनाना है तो एक कप के अंदर 1 चम्मच जो है वह कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे आप। मेरे पास यहाँ पर 5 कप हैं तो 5 चम्मच मैंने ऐड किया है, और 5 चम्मच चीनी ऐड की है। 1 कप में 1 चम्मच चीनी जाएगी, 5 चम्मच चीनी मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स किया है। और जब बॉयल आ जाए कस्टर्ड पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह रखना है हमें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तो मैं ठंडे होने के लिए उसको रख दूँगी, फिर यूज़ करूँगी। आम ले लेंगे हम लोग, आम इसके अंदर ज़्यादा जाएंगे। कोई सा भी मैंगो आप ऐड कर सकते हैं, मीठा हो तो ज़्यादा अच्छा है। 4 अदद पहले मैंने मैंगो इसको छील लिया है यहाँ पर इस तरह से, और इसको हम लोग छोटे छोटे क्यूब में कट करेंगे, या बड़े भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसको चॉप करेंगे। 4 से 5 मैंगो हैं तो हम लोग इसको 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मैंगो में। इस तरह हमें करना है, 3 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है, और 4 बड़े साइज़ के हमारे पास आम थे, छोटे बड़े दोनों। इस तरह हम लोग इसको चॉप कर लेंगे, और जूसर में डाल के भी आप कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से हमारी मैंगो प्यूरी यहाँ पर बनकर तैयार है। अब हम लोग यहाँ पर क्रीम रेडी कर लेते हैं। क्रीम मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम ली है, आप व्हिप क्रीम ही लें। व्हिपी व्हिप वालों की लेंगे तो इसमें चीनी ऐड नहीं होगी, और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो भी इसके अंदर आप ऐड करें। मेरे पास नहीं है, मैंने नीचे से आइस रखी हुई है क्योंकि गर्मी है, गर्मी में थोड़ी मुश्किल होती है व्हिप करना। और मैंने यहाँ पर अब शुगर ऐड की है, पिसी हुई चीनी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पीस के भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड किया है क्योंकि इस क्रीम में चीनी नहीं होती। अगर आप व्हिपी व्हिप वालों की यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर चीनी ऐड होती है, तो आप टेस्ट करके चीनी ऐड करें। अगर व्हिप करने के बाद आप इसको हाथ से भी बीट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने बीटर यूज़ किया है। 3 से 4 चम्मच यहाँ पर प्यूरी जो हमने बनाकर रखी हुई है, सिर्फ 3 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मेरे पास छोटे वाले चम्मच थे, तो आप बड़े हैं तो 2 से 2.5 चम्मच भर के ऐड करें। ये देखें, क्रीम हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, और आम को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे पीस करने हैं हमें, ये हम उसके अंदर डालेंगे। इस तरह से हमें क्यूब करना है, क्यूब कट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे किस तरह, बहुत आसान है। एक बॉल ले लेंगे जिसमें हमने इसको बना के फ्रिज में रखना है, कि जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो हमने कस्टर्ड बना के रखा हुआ है उसकी लेयर लगाएंगे, और इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे केक, और केक का चूरा इस तरह मैं करके इसको डाल दूँगी। कुछ मैं केक का चूरा इस तरह करके डालूँगी, और कुछ जो है वो केक मैं इसी तरह ही बड़े बड़े पीसीस डालूँगी। किस तरह डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। कोशिश किया करें वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और ये मैंगो प्यूरी है जो हमने पहले ही बना कर रखी हुई थी, क्योंकि ये मैंगो डिलाइट है तो इसमें हर जगह जो है वो मैंगो मैंगो अच्छा लगता है। ज़्यादा मैंगो डालें तो बहुत मज़ा आता है खाने में। ये देखें, कुछ मैं इसी तरह से ही केक के पीसेस रख रही हूँ। कोशिश करें केक जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल जो है वो फर्स्ट लेयर वो केक की अच्छी लगाएँ, ताकि जब केक जब ये मीठा ठंडा हो तो अच्छा लगे। ये सारे मैंगोज़ मैं इसमें डाल दूँगी, और गार्निश के लिए मैं 2 मैंगो और लास्ट में काट लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी डिश में बना रही हूँ तो मुझे मैंगो यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। तो मैं सारा ऐड कर दूँगी, तकरीबन इसके अंदर 1 से 1.5 किलो मैंगो ऐड होगा इस डिश में। अगर आप ज़्यादा बनाएंगे, अगर कम बनाएंगे तो वो आपके हिसाब से है, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एक क्रीम ऐड कर देंगे, क्रीम सारी ही ऐड करेंगे, और इस तरह हमें ऐड करनी है क्रीम। ये बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसी तरह ये आप बनाएँ। क्रीम हमने यहाँ पर लगा ली है, इसके बाद हम लोग एक शॉपर ले लेंगे। मैंने कोई सा भी आप पाइपिंग बैग हो या कोई भी हो, मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था, मैंने शॉपर लिया है,
और इसको हम लोग कैंची से हल्का से बिल्कुल बारीक सी नोक काटेंगे और मैंगो प्यूरी इसके अंदर ऐड करेंगे और इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। आपके ऊपर है, आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने जल्दी जल्दी में ये बना लिया। अगर आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप खाली मैंगो डाल के या ऊपर केक डाल के भी या जेली भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा वो आपके ऊपर है। अब मुझे जल्दी जल्दी तैयार करना था, मैंने बस यही ऐड किया है और ये भी बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ है। एक टूथपिक ले लेंगे या फिर चम्मच का जो है वो साइड से भी आप कर सकते हैं। उसके नोक वाली साइड से पहले ऊपर ले जाएं फिर नीचे ले आएँ, इस तरह हम लोग करेंगे इसको। और लास्ट में मैं मैंगो और डाल दूंगी साइड्स में, इस तरह मैंगो डालना है। बहुत मज़े का बनकर ये तैयार हुआ है, सबको बहुत पसंद आया। आप भी एक दफ़ा बनाएं, बच्चों को दें, मेहमानों को दें, ख़ुद खाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।